सब्सक्राइब कीजिए आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, हेल्थ ब्यूटी होम रेमेडीज एंड फिटनेस से जुड़े हुए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान है। ऐसे तो हेयर फॉल होने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, लेकिन आजकल 16-17 साल की उम्र में ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बाल झड़ना, बाल टूटना जैसी समस्या शुरू हो जाता है। दोस्तों, बाल बॉडी का एक ऐसी पार्ट है जो कि हमारी पर्सनालिटी को उभारता है, लेकिन यदि सिर पे बाल ही ना रहे तो कैसा लगेगा। दोस्तों, यदि सिर पे बाल ना रहे तो पर्सनालिटी डाउन हो जाता है, ठीक से कोई स्टाइल नहीं कर सकते हैं और खुद को ही लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस करते हुए देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हेयर फॉल रोकने का एक बहुत ही आसान नुस्खा बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है और काम भी करता है। दोस्तों, इस नुस्खा के बारे में जानने के लिए वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको यदि कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी हम YouTube में वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हेयर फॉल किसे कहते हैं, हेयर फॉल क्या है। जब हम बालों को उंगली से खींचते हैं तब यदि दो या तीन बाल झड़ता है तो उसे हेयर फॉल नहीं कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली हर किसी के बाल दो या तीन झड़ सकता है, लेकिन यदि एक बार में 10 या 12 बाल झड़ते हैं तो उसे हेयर फॉल कहा जाता है। तब आप समझ लीजिएगा जो आपका हेयर डैमेज हो चुका है और आप हेयर फॉल की समस्या से भुगत रहे हैं। दोस्तों, हेयर फॉल होने का कई कारण हो सकता है। इनमें से कुछ जेनेटिक हो सकता है, कुछ बीमारी के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है, और विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण भी हेयर फॉल होता है। तो आइए जान लेते हैं हेयर फॉल दूर करने का इस नुस्खा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो नुस्खा बताऊंगा हेयर फॉल दूर करने के लिए। इसमें से फर्स्ट जो नुस्खा है उसके लिए चाहिए प्याज। सबसे पहले प्याज का रस निकाल ले, फिर उस रस को बालों पर लगाए। प्याज का रस बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कमजोर बालों को स्ट्रांग बनाता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, बालों का रूट स्ट्रांग करता है। दोस्तों, प्याज का रस स्कल्प पर कम से कम 2 या 3 मिनट तक मसाज कीजिए, फिर बालों को 15 या 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 या 20 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो लीजिए। ध्यान रखिएगा, शैम्पू वही इस्तेमाल करें जिस शैम्पू में मिल्क अवेलेबल हो, इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये नुस्खा आप हफ्ते में 3 दिन कीजिए, कम से कम 1 महीने तक करके देखिए, आपको इससे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब जान लेते हैं दूसरा नुस्खा के बारे में। दूसरा नुस्खा के लिए चाहिए एलोवेरा जेल और एलोवेरा रस। एलोवेरा जेल चाहिए बालों पर लगाने के लिए और एलोवेरा रस चाहिए सेवन करने के लिए। दोस्तों, एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बालों को शाइनी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को घना बनाता है, हेयर फॉल रोकता है। और एलोवेरा रस के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बनाया है, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप इन दोनों टिप्स में से जो कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्याज वाला नुस्खा बहुत ही फायदेमंद होगा हेयर फॉल दूर करने के लिए। दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये सब नुस्खा हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करता है। इन सब से किसी को रिजल्ट मिलता है और किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, जो ये नुस्खा आप कम से कम 1 महीना ट्राई करके देखिए। 1 महीने के अंदर यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस नुस्खा को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली देखने के लिए। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए हेल्थ ब्यूटी होम रेमेडीज फिटनेस से जुड़े हुए वीडियो डेली लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।